तो यहाँ से होती है दधी जी हॉस्टल की एंट्री। देख सकते हो क्या ही मस्त दिख रही है। ये नहीं, वो मैं आपको दिखा रहा था। तो आप कैंटीन से अगर इस साइड आओगे तो आपको यहाँ पे हॉस्टल का एंट्रेंस मिलेगा। देखो यहाँ से एंट्री होती है, टाइम था यहाँ से एंट्री होती है। ये सब आप सामने दिख रही है वो है एकलव्य। देखो ये कुछ छपरी यूट्यूबर जैसा कर रहा है, करता करता। देखो देखो ये है एकलव्य जो पुरानी हॉस्टल है, और इधर आती है अपनी दधीची हॉस्टल, दधीची भवन हॉस्टल। ये वाली नई हॉस्टल है जहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा अगर आप आए इधर एडमिशन। तो देखो ये है दधीची, ये इधर पूरे क्वार्टर है सर के। अरे हम क्वार्टर में जाएंगे, हॉस्टल का एडमिशन कैंसिल करा है जो हमारा फाइनल ये है। नहीं है भाई, मैं बता रहा हूँ ना, गाड़ी नहीं दिख रही है। चलिए चलते हैं और फिर अंदर हॉस्टल का पूरा फुल टूर करेंगे। तो यहाँ से होती है दधी जी हॉस्टल की एंट्री। देख सकते हो क्या ही मस्त दिख रही है। ये है पूरी दधी जी हॉस्टल, देख सकते हो। इधर एंट्री में आपको ये देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। ये नहीं, वो मैं आपको वो दिखा रहा था, ये तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये सब तो आपको बहुत। देखो ये वाइट वाइट इधर से ये पूरा अपना मॉडर्न का रूम है जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वो। ये पूरी हॉस्टल, ये इधर से पूरा अपना एंट्री पोस्ट। यहाँ से वो एंट्री मारते हैं। KGF का सॉन्ग बजा, नहीं कॉपीराइट लग जाएगा, मत बजा। तो ये आपको यहाँ पे सब रजिस्ट्रेशन, आपका एंट्री वेंट्री सब यहाँ पे होता है रजिस्टर। उसमें ये है मेस, तो आज तक कभी खुला नहीं है यहाँ पे फिल्टर का। यहाँ पे आप साइकिल की अपनी खुद की व्हीकल लेकर आओ तो पार्किंग वार्किंग कर सकते हो। यहाँ पे स्पोर्ट रूम, ये स्पोर्ट रूम। फिर गए वहाँ पर TT का टेबल, वहाँ पे भी जाऊँ पाए क्योंकि वहाँ पे सर सोरे होंगे बाहर से, मतलब जितना खुला है। देख सकते हो यहाँ पे TT का टेबल, हॉस्टल में TT का टेबल। आप कैरम और चेस भी जैसे, लेकिन अभी नहीं है, पता नहीं कहाँ पे वार्डन के रेसिडेंस। यहाँ पे वार्डन का रूम, ये वार्डन का रूम, यहाँ पे वार्डन का रूम है। वो ऊपर ऊपर चलते हैं, यहाँ से ऊपर की एंट्री होती है। यहाँ आपको पीछे बस्ती बस्ती दिखेगी। ये आ गया अपन फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे आपको आते ही कुछ ऐसा मिलेगा, ये इस साइड की लॉबी है, बाथरूम वो लास्ट वाला है वहाँ पे। इस साइड वॉशरूम, उस साइड बाथ का, दोनों सेपरेट है। इसे ये लोग का लेके इस साइड है और ये साइड के लिए इस साइड। यहाँ पे फिल्टर का, लेकिन अभी फिल्टर नहीं, फिल्टर भी एक ही प्रोवाइड किया ऊपर। तो रूम कुछ ऐसा होगा आपका, ये कुछ रूम ऐसा होगा आपका, देख सकते हो। फिर आप उसको जैसे मेंटेन करना आप कर सकते हो, बेड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फिर अपन चलते हैं अब ऊपर। ये सब है इधर ऐसा, ये फिल्टर दो ऐसे वेस्ट पड़े। और अब चलते सेकंड फ्लोर पे। यहाँ का यहाँ से व्यू दिखते हैं विंडो से, टेरेस बंद होता है। यहाँ पे भी दो फिल्टर ऐसे ही पड़ा है, कोई काम के नहीं है, सेम वही। ये रहा यहाँ पे कूलर। फिर इस साइड इधर का भी रूम वही सीन है, बेड बेड प्रोवाइड किया जाएगा। ये टेरेस खुला नहीं है, और यहाँ पे है पूरा RO प्लांट, देख सकते हो पूरा RO प्लांट। वही जितनी सी हॉस्टल है, रूम वूम अपने हिसाब से क्लीन करने वाले, बाकी ये लोग वो भी सब वॉशरूम क्लीन करने के लिए आ जाते हैं। सेकेंड फ्लोर पूरा, फर्स्ट फ्लोर पूरा खाली है न्यू एडमिशन के लिए, और थर्ड फ्लोर पर सबको शिफ्ट कर दिया सेकेंड फ्लोर पर। ये है पूरी हॉस्टल दीदी की नई वाली। चलिए अब करते हैं इसे वीडियो को ख़त्म। एकलव्य हॉस्टल का मैंने ऑलरेडी ब्लॉग बनाया है, देखना देख सकते हो, इधर टेप ऊपर आ गया होगा।